अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपको हम वैंस लोग पर ख़ुश आमदीद कहते हैं जैसा कि आप सब के इल्म में ही है कि हमने अपने चैनल पर जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी की तैयारी का सिलसिला फ़ौशुल कार्ड जो लर्निंग सिस्टम है उसके ताउन से शुरू किया था और हमने सवालत मुकम्मल करवा दिए थे फिर उसके बाद एक नोटिफिकेशन आया टुफ़ ने कुछ सवाल का इजाफ़ा किया जो कि सेवेंटी टू नोए फ्रागन आए हैं न्यू कोशन बनते हैं तो हमने कुछ अर्से पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने कहा था कि हम उन तमाम सवाल की तैयारी जो है वो करवाएंगे तो जिस तरह आप सब इस सिलसिले से वाकिफ़ हैं कि हम लोग जो है हम हमने जो लास्ट टाइम भी आप लोगों को तैयारी करवाई थी उसके अंदर हमने तमाम सवाल कवर कर लिए थे लेकिन अब कुछ नोए फ्रागन जिस तरह मैंने जिक्र किया सेवेंटी टू न्यू क्वेश्चन ऐड हुए तो वो क्वेश्चंस किस तरह हैं वो जो टॉपिक हमने सारे कवर किए हैं ये उन्हीं में से ही सवालात हैं और इसमें कोई घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लोगों ने वो सवाल किए हुए हैं ऑलरेडी तो ये सवालत भी उन्हीं का एक तसलसल हैं कुल सवाल जो हैं वो बहत्तर हैं और हम इसको इस तरह कवर करेंगे कि आज की इस वीडियो में हम ये यहाँ पर देखें ये टोटली सवाल ये आठ नए सवाल इस टॉपिक के हैं ग्यारह और फोर फाट के दो हैं तो हम लोग ईफारन ले रहे हैं फिर फाटन स्ट्रासन फिर के और फोर फॉट ये ग्यारह आठ नौ और इक्कीस आज कवर करेंगे इस वीडियो में अगली वीडियो में ये दस जमा ग्यारह इक्कीस सवाल कवर करेंगे जो कि आपके पास टोटल इक्कीस और इक्कीस बयालीस बन जाएंगे फिर मजीद तीस सवाल जो हैं हम वो कोशिश करेंगे एक वीडियो में कवर कर लें तो ये कुछ तीन वीडियोज़ में हम इन तमाम सवाल को मुकम्मल आपके सामने रख देंगे तो जैसा कि मैंने बताया कि आपने नोए फ्रागन के सेक्शन पर फिल्टर कर लेना है और ये सवाल आपके सामने आ जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग इन सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं और इस सिलसिले में हम सबसे पहले जो है बाकायदा सवालत को समझेंगे भी और जिस तरह हमने पहले सिलसिला जारी रखा हुआ था आपको समझाने का उसी तरीके से हम लोग जारी रखेंगे तो ये, है ये पहला सवाल आज का कि वट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन हेयर कि यहाँ पर जो है वो क्या तरीका दुरुस्त है हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बर्फ पड़ रही है शदीद किस्म की और ये साइन बता रहा है आपको कि सामने फ़ुटपाथ है देखिए अगर बरफ से बर्फ़ पड़ने की वजह से फ़ुटपाथ बिल्कुल फ़ुटपाथ सॉरी जेब्रा क्रॉसिंग मैंने कहना था आपके पास जो फुस गंगा की जो जगह है वो आप बिल्कुल गायब हो गई है लेकिन ये साइन यहाँ बता रहा है कि ये यह यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग मौजूद है तो बर्फ़ पड़ रही है हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा सामने जेब्रा क्रॉसिंग क्लियरली तो हमें अब यहाँ पर क्या करना चाहिए सवाल यह है कि वट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन हेयर आई अलाउ द पेडेस्टेरियन ऑन द राइट टू क्रॉस द रोड मैं पेडस्टेरियन को जो कि मेरे राइट right साइड से क्रॉस कर रही हैं यहाँ पर ख़ातून यहाँ दो लोग और भी हैं क्रॉस करना चाह रहे हैं कहीं से भी मैं उनको इजाजत दूँ बिल्कुल मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो पैदल चलने वालों की या साइकिल वालों की होती है तो इस सूरत हाल के अंदर अगरचेबर क्रॉसिंग विजिबल नहीं है लेकिन ये साइन हमें बता रहा है कि जेबर क्रॉसिंग है तो हमने उनको इजाज़त देनी है अलाउ करना है आई ब्रेक केयरफुली मुझे एहतियात से ब्रेक लगानी है बिल्कुल ये देखिए सामने से खातून जेबरा क्रॉसिंग को ये रोड को क्रॉस करना चाह रही हैं जेबरा क्रॉसिंग के थ्रू तो ए, मुझे यहाँ पर बिल्कुल आहिस्ता स्पीड अपनी पहले से कर लेनी है और ब्रेक लगाना है ज़्यादा ज़ोर से कोई मनोवर मैंने फास्ट नहीं करना ब्रेक तेज़ नहीं लगानी कोई जर मूवमेंट कोई तेज़ गाड़ी को नहीं कोई मूवमेंट नहीं करनी बर्फ़ की वजह से वरना मेरी गाड़ी स्लिप हो सकती है इसलिए आई ब्रेक केयरफुली आई केयरफुली कंटिन्यू ड्राइविंग बिकॉज देयर आर नो मार्किंग्स विजिबल ऑन द रोड ये कह रहे हैं मैं गाड़ी चलाता रहूँ क्योंकि कोई मार्किंग नज़र नहीं आ रही तो मतलब ये कि जेब्रा क्रॉसिंग यहाँ नहीं है तो मैं गाड़ी चला सकता हूँ कि जब आप दुरुस्त नहीं है आपको वैसे ही यहाँ पर नज़र आ रहा है साइन की वजह से कि यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग मौजूद है और अगर नहीं भी मौजूद होती उसके बावजूद भी पैदल चलने वाले बाहर गलती कर देते हैं तो उनकी प्रायोरिटी बहरहाल आपने अपनी तो अपने एंड से एहतियात करनी है तो यहाँ पर यह ऑप्शन दुरुस्त नहीं है कि मैं ड्राइविंग करता रहूँगा क्योंकि रोड पर मुझे कोई मार्किंग नजर नहीं आ रही आप ये साइन देख लें ये बता रहे हैं कि यहाँ बर्फ पड़ने से पहले जेबरा क्रॉसिंग विजिबल थी तो ये इसके दो जवाब हैं अगला सवाल हमारे पास है कि वट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन इन दिस सिचुएशन आपके पास एक रोड है ये साइन अगर आप देखें हमने ट्रैफिक साइंस की जो वीडियोस बनाई थी वहाँ आपने देखा होगा कि हमने साइन को वहाँ डिस्क्राइब किया था कि ये सुर्ख जो ट्राइंगल दगाए कह लें यहाँ यहाँ ट्राइंगल है इसके अंदर ये, ये ख़तरा है और इसके अंदर बर्फ़ बर्फ़ है मतलब आगे बर्फ़ मौजूद है ये सवाल बता ये साइन बता रहे हैं। आप यहाँ देख भी सकते हैं रोड पे आगे बर्फ़ कुछ नज़र आ रही है तो यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए आई एवॉड जर्की की मूवमेंट मैं अपने स्टेयरिंग को लेंक्राट को मैं उस, उसको झटके देने से जर्क देने से बिल्कुल उसकी एब्रप्ट किस्म का अजीब किस्म का उसको मैं घुमाने से अवॉइड करूंगा क्योंकि देखे रोड आगे स्लिपरी हो सकता है तो मुझे बड़ी एहतियात से गाड़ी चलानी है तो इसमें सबसे जो मुनासिब चीज़ है कि मैं अवॉइड करूं किसी भी किस्म की जर्की अपने स्टेयरिंग को बिल्कुल ठीक से पकड़ लूं और उसको ज्यादा दाएं बाएं ना घुमाऊं यह जवाब इसमें दुरुस्त नजर आता है आई ब्रेक हार्ड वाइल इन द बैंड मैं ज़ोर से ब्रेक लगाऊं जब मैं यहां बैंड में इस मोड़ पे टर्न ले रहा हूं देखें आगे बर्फ़ मौजूद है अगर आप ज़ोरदार तरीके से ब्रेक लगाएंगे तो आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर हो सकती है यानी फिसल सकती है तो ये जवाब इसका दुरुस्त नहीं है ये साइन आपको बता रहा है कि आगे बर्फ़ का ख़तरा है तो आपने हार्ड ब्रेक तो करना नहीं है आई रिड्यूस माई स्पीड एहतियात का तकाजा ये है कि अपनी स्पीड को अपनी रफ्तार को कम कर लें ये दो इसके दुरुस्त जवाब हैं अगले सवाल की जानब चलते हैं किसूरत में जो ओवरटेकिंग है वो मना है ओवरटेकिंग जो है नहीं करनी चाहिए जो अगर आप ओवरटेकिंग करना चाह रहे हैं और ओवरटेकिंग किसूरतल में पूछ रहे हैं कि मना है इफ आई एम एनेबल टू मैंटेन द नेसेसरी स्पेस टू द साइड अगर मैं ओवरटेकिंग करते हुए मैं मुझे मैं इस काबिल ना हूँ कि मैं दूसरी गाड़ी जिसको मैं ओवरटेक कर रहा हूँ मैं उससे मुनासिब स्पेस रख सकूँ तो मुझे ओवरटेकिंग से बचना चाहिए देखिए ओवरटेकिंग के हमने कुछ बुनियादी असूल पिछली वीडियोज़ में देखे थे कि जो जिस गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं उसकी स्पीड आपकी स्पीड से कम होनी चाहिए और ए, जब आप ओवरटेक कर रहे हो तो वो उसकी स्पीड वो अपनी स्पीड को मजीद कम कर ले या अपनी स्पीड को उतना ही रखे और आपकी स्पीड उससे ज़्यादा हो और एक मुनासिब फ़ासले से आपने ओवरटेक करना है तो यहाँ पर इस हाल में कह रहे हैं कि अगर मैं मुनासिब फ़ासला ना रख सकूँ इफ आई एम एन टू मैंटेन द नेसेसरी स्पेस टू द साइड तो मुझे ओवरटेकिंग से बचना है मुझे ओवरटेकिंग से बिल्कुल बचना है प्रोहिबिट करना है ये इसका दुरुस्त जवाब है आई कैन नाट कम्प्लीट ओवरटेकिंग मनूवर बिफोर अ हिल क्रेस्ट अगर मैं सामने देख रहा हूँ कि एक ऊंचाई आ रही है और मुझे लगता है कि मैं उससे पहले अपनी ओवरटेकिंग मुकम्मल नहीं कर पाऊंगा तब भी मुझे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि अगर ओवरटेकिंग के दौरान वो ऊंचाई आ गई तो कुछ ख़तरा बढ़ सकता है ऊंचाई की वजह से आपकी गाड़ी को ख़तरा हो सकता है आप दूसरी गाड़ी से टकरा सकते हैं तो ओवरटेकिंग हमेशा स्मूथ रोड के ऊपर साफ रोड के ऊपर कंप्लीट करें ताकि ओवरटेकिंग करने के बाद आप अपनी लेन में वापस आ जाएं लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सामने एक ऊंचा कुछ ऊंचा रोड है कोई पहाड़ का हिस्सा है तो आपने अगर आप उससे पहले अपनी ओवरटेकिंग कंप्लीट नहीं कर सकते फ्लैट रोड पे तो ओवरटेकिंग आपने तब भी नहीं करनी और ये कह रहे हैं तब भी मुझे ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए इफ़ आई कैन नॉट कम्प्लीट द ओवरटेकिंग मनोवर बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ नो ओवरटेकिंग सेक्शन मैंने आगे साइन देख लिया कि नो no ओवरटेकिंग का साइन है हमने ट्रैफिक साइंस की वीडियो में देखा था कि नो ओवरटेकिंग का एक साइन होता है कि इस एरिया शुरू होने से आप ओवरटेकिंग नहीं कर सकते तो मैंने सामने रोड पे देखा कि नो no ओवरटेकिंग का साइन विजिबल है और मुझे मालूम है कि उस साइन से पहले पहले मैं ओवरटेकिंग मुकम्मल नहीं कर सकूँगा तो ओवरटेकिंग आपने तब भी नहीं करनी अवॉइड करनी ओवरटेकिंग शुरू नहीं करनी तो अगर आपके पास आप स्पेस नहीं है दूसरी गाड़ी से तब भी ओवरटेकिंग से अवॉइड करें अगर आप ओवरटेकिंग को कंप्लीट नहीं कर सकते एक ऊंचे रोड से पहले तब भी ओवरटेकिंग को अवॉइड करें और अगर सामने नो ओवरटेकिंग जोन आ रहा है आप ओवरटेकिंग नहीं कर सकते उस एरिया में और उससे पहले आप ओवरटेकिंग अपनी मुकम्मल नहीं कर सकते तो बेहतर बेहतरीन ओवरटेकिंग शुरू ही ना करें और ये देखिए ये हमारे इसके दुरुस्त जवाब हैं तो इसके साथ ही हम चलेंगे अपने अगले सवाल की जाने हमारा अगला सवाल है यू वॉन्ट टू ओवरटेक वट शुड यू बी प्रीपेर फॉर नाउ आप ओवरटेक करना चाहते हैं और आपको यहाँ पर किस चीज़ का ध्यान रखना है देखिए आप रोड पे जा रहे हैं दाए बाएँ पैदल चलने वाले लोग मौजूद हैं आपके बिल्कुल सामने एक साइकिल पे एक, एक, एक दो लोग जा रहे हैं ये जेलो शर्ट वाला जो है ये इसका एक दोस्त है ब्राउन शर्ट वाला ये जिससे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है और सामने जो साइकिल वाला है वो लेफ्ट जानीब अपना उसने अपना उल्टे हाथ उल्टे हाथ की जानब अपना उल्टा बाजू उसने निकाला हुआ है बाहर कि वो टर्न लेना चाह रहा है उसने इंडिकेटर दिया हुआ है अपने अपनी तरफ से तो ये एक रोड की सूरत हाल है तो ये पूछ रहे हैं कि आपने ओवरटेक करना है इस रोड पे तो ये आपको किस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए देखिए ओवरटेक करते हुए क्या प्रॉब्लम यहाँ हो सकती है सूरत हाल रोड की थोड़ी सी इतनी क्लियर नहीं है साइकिल वाला ये शायद रुकेगा अपने दोस्त से मिलने के लिए और ये आगे टर्न ले रहा है तो हम देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं द साइकिल डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ मी स्टॉप्स ऑन द रोड वे ये इसका दुरुस्त जवाब है कि मुझे इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए टेकिंग करते हुए मुझे ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जो बिल्कुल सामने मेरे साइकिलस्ट है जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी जो डायरेक्टली मेरे फ्रंट में है वो रुक जाएगा क्यों क्योंकि उसको गालबन अपने एक दोस्त नजर आया वो उससे हाथ मिलाएगा और गपशप लगाएगा तो यहाँ पर वो रुक जाएगा ये ऑप्शन दुरुस्त है द साइकिल्स इन द डिस्टेंस पुल्स आउट टू द लेफ्ट जो साइकिल हो रहा मुझसे दूर है एक फासले पर है वो उल्टे हाथ पे मुड़ जाएगा इस जानब ये देखिए क्योंकि उसने अपना बाजू इस जानब किया हुआ यानी वो उल्टे हाथ पे या रोड के सेंटर में आना चाह रहा है या टर्न लेना चाह रहा है दूसरे साइकिल से मिलने के लिए तो ये भी दुरुस्त जवाब है द ब्लू कार ओवरटेक्स मी देखिए ब्लू कार जो है वो आपसे बहुत दूर है वो आपको अभी ओवरटेक इस करंट सिचुएशन में नहीं कर सकती और शायद मेरा ख़्याल है कि वो उसकी डायरेक्शन भी दूसरी जानब है अगर हमारी जानब है भी वो आ रही है अगर आ भी रही है तब भी वो काफ़ी दूर है तो उसका हमें ओवरटेक करने का बाहिर वो भी इस रोड को देख के स्पीड को कम कर लेगी तो ओवरटेक करते हुए हमें, हमें इन दो बातों को जहन में रखना है ब्लू कार के हवाले से हमें कोई परेशानी नहीं है वो हमसे काफ़ी दूर है परेशानी इन दो साइकिल्स के हवाले से एक रुक सकता है और एक उल्टे हाथ पे मुड़ रहा है तो मुझे ओवरटेकिंग शायद अभी नहीं करनी होगी थोड़ा सा मुझे ब्रेक यहां पर लेना होगा स्पीड को स्लो करना होगा अगला सवाल है वट मस्ट यू बी प्रीपेड फॉर हेयर यहां पर आपको किस सूरत हाल के लिए तैयार रहना है देखिए यहां पर एक रोड ये सामने हमारा साइन मौजूद है कि आगे एक पार्क प्लाट्स और आपको कुछ गाड़ियां पार्किंग में नजर भी आ रही हैं तो आगे एक पार्क प्लाट्स मौजूद है तो यहां पर हमें किस सूरत सूरतेहार के लिए तैयार रहना चाहिए ऑन कमिंग व्हीकल्स टर्निंग लेफ्ट के सामने से जो गाड़ियां आ रही हैं हो सकता है कि उनका इरादा हो कि थोड़ा देर पाउजे या ब्रेक लें तो वो लेफ्ट पे मुड़ जाए यानी सामने से आने वाली गाड़ी इस पार्किंग एरिया में आके कुछ देर के लिए ब्रेक ले ले ये एक पॉसिबिलिटी है हमें इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए व्हीकल्स टर्निंग ऑन टू द रोड ये भी मुमकिन है कि जो गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क हैं उनकी ब्रेक मुकम्मल हो गई हो वो दोबारा रोड के ऊपर आके अपने सफर को रवाना सफर पर रवाना हो जाएँ सफर को जारी रखें तो ये भी मुमकिन है कि वहीकल्स जो है वो रोड पे दोबारा वापस आ जाएँ और पीपल वॉकिंग ऑन द दे रोड देखिए ये रोड बाहिर शहर से बाहर एक कंट्री साइड का एरिया है कोई गाँव देहात का एरिया है और ये मुमकिन है कि जो लोग जिन्होंने अपनी गाड़ी वहाँ पार्क की हुई है वो रोड पे भी आ जाएँ वॉक करते हुए बिल्कुल मुमकिन है तो इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर हमारे दुरुस्त हैं अगला सवाल हमारे एक वीडियो को इससे ना चलिए हम वीडियो लगाते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है हम रोड पे जा रहे हैं और सामने देखें एक येलो कलर की गालबन एक एस या गाड़ी है और सामने से एक साइकिलिस्ट हमारी राइट से आ रहा है और अगर आप इस येलो कलर की गाड़ी को देखें तो इस येलो कलर की गाड़ी में जो है इस गाड़ी ने हाजर अपनी लाइट्स ऑन की हुई हैं समझ नहीं आ रहा कि क्यों ये वेट कर रही है और वहाँ से एक साइकिलिस्ट भी आ रहा है हम दोबारा इस वीडियो को देखते हैं हम रोड पे जा रहे हैं और जहाँ पर देखें सामने एक येलो कलर की गाड़ी है और दाएं जानेब से एक लाल ट्रक आया वो तो सीधा जा रहा है और इसी दौरान हमने यहाँ इंडिकेटर दिया हम राइट पे मुड़ना चाह रहे हैं और बिल्कुल राइट से देखें एक साइकिलिस्ट भी आ रहा है एग्जाम में कोशिश ये करें कि आप वीडियो को कम से कम चार दफ़ा ज़रूर देखें वैसे तो वीडियो देख के अंदाज़ा हो जाता है कि क्या होने वाला है लेकिन बेहतर है आप पूरी सूरतयाल को दाएँ माँ देखिए लाल ट्रक से हमें ख़तरा नहीं है येलो कार का समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाह रही है और एक साइकिल भी हमारी राइट से आ रहा है और आपने देखा पीछे एक सुरख ट्राएंगल भी था तो सुरख ट्राइंगल का मतलब ये है कि फो, फोर फाट गेवेर यानी आपने यहाँ पर रुकना है और जो ट्रैफिक आपके दाए बाएं से आ रही है आपने उसको जगह देनी है तो ए, ये हमने सब कुछ यहाँ पर देखा हुआ है मेरा ख्याल है उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी और अब हम इसके सवाल की जानब चलेंगे इसके बाद एक दफ़ा दोबारा इस वीडियो को हम लोग रिप्ले कर देते हैं येलो कलर की गाड़ी ये सुर्ख इस इसमें निशान पर रुकी है और जो है साइकिलिस्ट भी वहाँ से आ रहे है। तो अब हमारे पास जो है यहाँ पर वाई आर यू रिक्वायर्ड टू स्टॉप नाउ कि आपने यहाँ पर क्यों रुकना है आपको यहाँ पता है एक आपके पास यहाँ पर एक साइन था उल्टा ट्राइंगल रेड कलर का फोर फाट गिवेरन आपने यहाँ रुकना आपको पता है वो तो वजह होती है लेकिन और क्या वजह हो सकती है बिकॉज ऑफ द रेड ट्रक देखिए रेड ट्रक से हमें कोई खतरा नहीं है रेड ट्रक हमारे सामने से रोड पर आगे की जानब जा चुका है उससे कोई खतरा नहीं है बिकॉज द ट्रैफिक सिचुएशन इज़ कन्फ्यूजिंग देखिए ट्रैफिक सिचुएशन काफ़ी कन्फ्यूजिंग है येलो गाड़ी अभी रुकी हुई है इसने अपनी दोनों लाइट्स पीछे ऑन की हुई हैं एक खातून सड़क मौजूद है गालबन अपने कुत्ते के साथ वो रोड क्रॉस करना चाह रही हैं और साइकिलिस्ट भी आ रहे हैं तो ट्रैफिक सिचुएशन तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग है ये बात आपको जेहन में रखनी है और दूसरा ये कि साइकिलिस्ट भी रोड पे मौजूद है तो ये दो वजह हो सकती हैं इस सवाल में ये दोनों वजूहत हैं जिसकी वजह से आपको रुकना पड़ सकता है लेकिन जो रेड ट्रक है वो पहले आके जा चुके हैं हमें रेड ट्रक से कोई ख़तरा यहाँ पर नहीं है अगला सवाल हमारा है वट कैन इफ़ेक्ट एबिलिटी टू ड्राइव इन अ सिमिलर वे टू अल्कोहल जिस तरह अल्कोहल पीने से आपको पता है कि गाड़ी चलाने की सलायत मुतासर होती है किसी इंसान की तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि अल्कोहल की तरह ही अगर आप उनको कंज्यूम करें या इस्तेमाल करें तो ड्राइविंग गाड़ी चलाने की सलाहियत को मुतािर कर सकती हैं वो कह रहे हैं मेडिकेशन हमें पता है कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं जिनको खाने से आप पे की तारी हो जाती है आपको नींद आने लगती है तो कुछ मेडिकेशन कुछ मेडिसन ऐसी हो सकती हैं देखिए सॉफ्ट ड्रिंक से बाहर कोई ख़तरा नहीं है सॉफ्ट ड्रिंक में आपने कोका कोला पैप्सी या कोई भी ब्रांड मैं किसी की मैं कोई ब्रांड एम्बेसिडर नहीं हूँ तो लेकिन दो नाम जेन में आए तो ले लिए किसी भी किस्म की सॉफ्ट ड्रिंक हो सकती है कुछ जूस हो सकते हैं तो वो बहर उनका ख़तरा अल्कोहल जैसा नहीं है ड्रग्स या कोई आपने ड्रग्स ली हुई हैं वो भी आपके गाड़ी चलाने की सलाहियत को बिल्कुल उस तरह ही मुतािर कर सकती हैं जैसे कि अल्कोहल अगला सवाल है हाउ कैन द कंजम्पशन ऑफ कनाबिज़ प्रोडक्ट अफेक्ट द ड्राइवर जो कनाबिस की प्रोडक्ट होती हैं ये भी एक एक मनियात की एक एक टाइप है एक किस्म है कि तो वो उनके उसको इस्तेमाल करने से ड्राइवर की जो गाड़ी चलाने की सिलाहत है वो किस तरह मुतासर होती है ये कनाबिन की जो प्रोडक्ट है वो रिड्यूस कर देती है सेंसिटिविटी टू ग्लेयर आपको याद होगा हमने ये पहले भी सवाल देखा था कि ग्लेयर से मुरादी होता है कि जो चक्का चूँद है आप हल्की सी रोशनी पे आपकी गाड़ी आपकी आंखें अगर आपने कुछ नशा वगैरह किया हुआ है तो आपकी गाड़ी हल्की सी रोशनी पर भी छुंद जाएंगी और आप फोकस नहीं कर पाएंगे आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी हसासियत बढ़ जाएगी अल्कोहल पीने से या कोई नशा नशावर अद्वियात इस्तेमाल नशावर दवाई का इस्तेमाल करने से तो कनाब की वजह से हमारी सेंसिटिविटी रिड्यूस नहीं होगी बल्कि इंक्रीज़ हो जाएगी सासियत हमारी आंखों की ओर बढ़ जाएगी वो ज़रा सी रोशनी के ऊपर ज़रा सी सूरतयाल के ऊपर आंखों में एक चुभन पैदा होगी तो सेंसिटिविटी टू ग्लेयर अगर आपने हमारी पहली वीडियोज़ भी देखी है हमने बहुत तफसील से इस चीज़ को बताया था तो सेंसिटिविटी टू ग्लेयर जो है वो आपकी रिड्यूस नहीं बल्कि इंक्रीज़ होगी तो ये जवाब इसका दुरुस्त नहीं है कनाब प्रोडक्ट जो है वो रिड्यूस कर देती है योर एबिलिटी टू कंसनट्रेट और ड्राइविंग आप ड्राइविंग पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते कनाबिस प्रोडक्ट की वजह से तो ये जवाब इसका दुरुस्त है क्योंकि कनाबिस प्रोडक्ट की वजह से आपका आपकी फोकस नहीं रहेगा आप अपने दिमाग आपका फुल आपके कंट्रोल में नहीं होगा तो आपकी एबिलिटी मुतासर होगी आप कंसनट्रेट नहीं कर पाएंगे इट रिड्यूस इज़ द अवेयरनेस ऑफ द ट्रैफिक अगर आपने नशा किया हुआ है और आपकी रोड पे तवज्जो भी कम है तो आप जो आपकी तवज्जो बाकी रोड के ऊपर आपको पता है ड्राइविंग करते हुए आपको बाकी रोड बाकी ट्रैफिक का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है तो इस वजह से ये मसला हो सकता है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपने कोई नशा किया हुआ है तो वो कम हो जाएगी आपकी सिलाहियत जो है रोड की बाकी चीज़ों को समझने की तो ये दो जवाब दुरुस्त है लेकिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है क्लियर सेंसिटिविटी टू क्लियर बढ़ जाती है ना कि कम होती है तो यहां पर हमने ये इसके आठ सवाल मुकम्मल कर लिए हैं अब अगले जो ही पार्ट में ग्यारह नए सवाल हैं और उससे अगले में दो तो इस वीडियो में कुल मिला हम लोग इक्कीस सवाल कवर कर लेंगे आठ जमा ग्यारह जमा दो यानी इक्कीस फिर उससे अगली वीडियो में भी हम मजीद इक्कीस सवाल कवर कर करेंगे तो इक्कीस जमा इक्कीस बयालीस सवाल हमारे नए मुकम्मल हो जाएंगे उससे अगली वीडियो में हम लोग तीस सवाल एक साथ शामिल करके पूरे बहत्तर मुकम्मल कर देंगे तो ये एक इस टॉप आज की वीडियो का जो पहला टॉपिक था जिसमें आठ सवाल हैं वो मुकम्मल हैं और अब हम इससे अगले पार्ट की जानब चलते हैं तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं दूसरा जो टॉपिक है अभी हम पहले टॉपिक के हमने आठ सवाल मुकम्मल किए थे अब ये दूसरे टॉपिक के हमारे पास ग्यारह सवाल हैं तो पहले के आठ और ये ग्यारह उन्नीस और इसके बाद हम तीसरे टॉपिक में से दो सवाल कवर करेंगे तो हमारे इक्कीस टॉप इक्कीस सवाल मुकम्मल हो जाएंगे जो कि इस वीडियो में हम शामिल करेंगे तो चलिए अब ये अगला सवाल देखते हैं जो कि वैसे क्वेश्चन नंबर नाइन है लेकिन इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर वन है तो ये कह रहे हैं कि यू वांट टू ओवरटेक अ होर्स ड्रॉन कैरिज ऑन अ रूरल रोड कि आप जो है एक रोड पे जा रहे हैं और वहाँ पर आपने एक जो हॉर्स डॉन एक समझें आपके पास तांगा कह लें या फिर एक गाड़ी है जिसको कोई गाड़ी जिस पर जिसको घोड़ा खींच रहा है तांगा वगैरह ही कह सकते हैं आम जबान में तो आप उस पर सफ़र कर रहे हैं जो कि शहर से बाहर है रूरल रोड है वट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन तो इसमें आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जैसे हमने पहले भी जब वीडियोस बनाई थी हमने उसमें जिक्र किया था कि अगर हॉर्स हॉर्स ड्रॉन कैरेज है इस तरह की कोई चीज़ है जिसमें घोड़ा जो है घोड़ा गाड़ी है तो आमतौर पे वो उसको आपने ज़्यादा स्पेस देनी होती है अगर आप उसके साथ से गुजर रहे हो तो क्योंकि और इंजन की स्पीड भी कम रखनी होती है क्योंकि आमतौर पे गाड़ी के शोर से अक्सर घोड़ा वगैरह या कोई जानवर डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वो अजीब सी मूवमेंट शुरू कर देते हैं इस वजह से ख़तरा हो सकता है तो आप किन बातों का ख्याल रखना है सवाल में ये पूछ रहे हैं तो आई मेनटेन सफ़ीशियंट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस वैन पुलिंग इन अगेन कि जैसे ही मैं जो वापस पुल ओवरटेक करने के बाद जैसे ही मैं वापस आता हूँ तो मैं मुझे एक मुनासिब फ़ासला रखना है घोड़ा गाड़ी से और अपनी गाड़ी के दरमियान ये जवाब इसका दुरुस्त है कि अगर आपने उसको ओवरटेक कर लिया और आप दोबारा लेन में वापस आ गए तो आपने एक मुनासिब फ़ासले से वापस आना है ताकि बहुत क्लोज नहीं रहना एक फ़ासला मेंटेन रखना है आई लुक फॉर देंड सिग्नल फ्राम द ड्राइवर इंडिकेटिंग ही वॉन्ट्स टू टर्न ऑफ अक्सर ऐसा होता है कि जो आपके पास घोड़ा गाड़ी है या तंगा वगैरह है उसके जो चलाने वाले लोग हैं जो आपके पास जो चला रहे हैं घोड़े को वो अक्सर हाथ के इशारे से बताता है कि मुझे दाएं हाथ पे मुड़ना है या बाएं हाथ पे मुड़ना है तो आपने बहुत ही एहतियात से उसके हैंड सिग्नल को देखना है कि वो किस डायरेक्शन में मुड़ना चाह रहा है ये जवाब भी दुरुस्त है घोड़ा गाड़ी की सूरत में आई मेंटेन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल साइड क्लियरेंस कि मैं ये कह हैं कि जितना कम फासला रखूँ मुझे उतना कम फासला रखना चाहिए ये जवाब गलत है जब कभी भी आप ओवरटेक कर रहे हैं घोड़ा गाड़ी को या तांगे को तो आपने एक मुनासिब अच्छा खासा फासला रखना है स्मॉलेस्ट पॉसिबल साइड इज़ नेवर एन ऑप्शन ये इसमें बिल्कुल दुरुस्त जवाब नहीं है हमारे बाकी दो जवाब इसके ठीक है हम अगले सवाल की जानी चलते हैं इसमें हमसे पूछ रहे हैं द अमाउंट ऑफ साइड क्लेरेंस मस्ट यू मेंटेन वेन ओवरटेकिंग पेडस्टेरियंस एंड साइकिलिस्ट के जब कभी भी आप ओवरटेक कर रहे हैं पेडस्टेरियंस को और साइकिलिस्ट को तो आपने कितना फासला है जो कि आपने मेंटेन रखना है पेडस्टेरियन और साइकिलिस्ट को जब आप उनको ओवरटेक कर रहे हैं तो देखें अगर तो आप शहर से बाहर हैं तो वो दो मीटर का फासला हमने पहले भी अपने इस वीडियोस में जिक्र किया था और अगर आप शहर के अंदर कर रहे हैं तो 1.5 मीटर साइकिलिस या पेडस्टेरियंस को ओवरटेक करते हुए वन मीटर या जिसको आप 100 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं वन मीटर का फासला कभी भी आपको कोई प्रिस्क्राइब नहीं करेगा सब बोलेंगे कम से कम 1.5 मीटर आई मस्ट मेंटेन अ मिनिमम साइड क्लियरेंस ऑफ 2.0 मीटर आउटसाइड साइड ऑफ बिल्डअप एरियाज अगर मैं बिल्डअप एरियाज से बाहर हूँ तो मुझे दो मीटर का फासला लाजमी रखना है और मिनिमम साइड क्लियरेंस अगर मैं विद इन बिल्डअप एरिया हूँ तो पैदल चलने वालों से जो चल रहे हैं लोग और साइकिल्स हैं उनसे वन मीटर का फासला मैंटेन अ मिनिमम साइड डिस्टेंस ऑफ वन मीटर बिल्कुल दुरुस्त जवाब नहीं है दो फासले जेन में रखें वन पॉइंट फाइव मिनिमम है अगर आप बिल्टअअप एरिया में शहर है तो शायद वहाँ पर रोड थोड़े छोटे हों अगर आप शहर से बाहर चले गए आउटसाइड बिल्टअप एरियाज चले गए तो वहाँ पर जाकर जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर दो मीटर तक आप फासला आपको ज़्यादा फासला भी रख सकते हैं हम अगले सवाल की जानब चलेंगे वो कह रहे हैं कि वट इज़ करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन इन दिस सिचुएशन ये एक सूरत उन्होंने हमें दी है और हमसे पूछ रहे हैं कि इसमें इस सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए देखिए मैं एक रोड पे जा रहा हूँ मेरे बिल्कुल सामने की स्प्रिंटा है और गालबन इसके अंदर एक आदमी मौजूद है जो कि ये सामान उतार रहा है आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सामान शिफ्ट हो रहा है तो मज़ीद ये बॉक्स वगैरह लोग यहाँ से लेंगे अभी इनको टाइम लगेगा और इसी इसना में सामने से एक मोटरसाइकिल आ रही है तो मोटरसाइकिल आ रही है मेरी जानब और मैं अगर थोड़ा सा लेफ़्ट होता हूँ तो मोटरसाइकिल से टकराने का खतरा है तो यहाँ पर ये बात वाज है कि मुझे एहतियातन इंतज़ार करना चाहिए हम देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन हैं आई take priority before बिफोर द road रोड यूज़र मैं प्रायरिटी ले लूँ कि उस रोड यूज़र से पहले पहले मैं निकल जाऊँ देखें ये ख़तरे की बात है वो रोड यूज़र काफ़ी करीब आ गया है अगर मैं यहाँ से निकल के इस तरफ जाता हूँ तो मुझे कुछ टाइम लगेगा और मैं उसकी रोड की जानब चला जाऊँगा क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंटा है या जो भी आप ट्रक कह लें टर्न लेते हुए मैं बिल्कुल मोटरसाइकिल के सामने आ सकता हूँ तो ये प्रायरिटी मुझे यहाँ पर नहीं लेनी मुझे अपना जो प्रायोरिटी है वो अगर है भी तो इस रोड पर तो प्रायरिटी बहरहाल क्लियर इतनी नहीं है आप अपनी प्रायोरिटी अगर है भी तो छोड़ दें द ओन कमिंग रोड यूज़र एंड आई एग्री ऑन हु टेक्स प्रायोरिटी कि हम लोग दोनों ओन कमिंग रोड यूजर यानी बाइक और मैं इंतजार करें और डिस्कस करें कौन पहले जाएगा देखें हमेशा ये सिखाया जाता है थ्योरी में पहले भी देखा था अगर आपको अपना राइट छोड़ना पड़े तो आप छोड़ दें तो यहाँ पर डिस्कशन आप ना करें आई वेट अनटिल द ओन कमिंग रोड यूज़र हैज़ ड्रिवन पास मी अगर उसने मुझे ड्राइव पास कर लिया है मैं उसके जाने तक, तक का वेट करूँगा जब वो गुजर जाएगा फिर मैं आराम से ट्रक के लेफ़्ट से होकर मैं अपना रास्ता बनाकर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा तो यही इसका एक ही दुरुस्त जवाब है अगले सवाल की जानब चलते हैं कि टू व्हीकल्स अप्रोच वन एन अदर एट एन इंटरसेक्शन दो गाड़ियाँ हैं वो इंटरसेक्शन पे आमने सामने से आ रही हैं बोथ व्हीकल्स वॉन्ट टू टर्न लेफ्ट दोनों व्हीकल्स जो हैं वो लेफ्ट पे टर्न लेना चाहती हैं अपने अपने इन वट एक्सेप्शनल केस डू दे हैव टू टर्न वन आफ्टर द अदर किस सूरत हाल में वो एक दूसरे वो एक दूसरे के बाद जाएंगे देखें आमतौर पे क्या होता है मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं हमने पहले भी यह चीज देखी थी कि अगर आप दो गाड़ियां हैं एक देखें यहां इस एंड से आ रही है और एक यहां से आ रही है और दोनों ने अपना अपना लेफ्ट टर्न लेना है इसने इस जानब जाना है और सामने से आने वाली गाड़ी ने अपने लेफ्ट पर इस जानब जाना है तो दोनों एक दूसरे के फ्रंट में यानी फ्रंट ऑफ ईच अदर कहते हैं हमने पहले भी ये काफ़ी सवाल देखे थे तो वो एक दूसरे के फ्रंट ऑफ ईच अदर में वो लोग टर्न यहाँ पर ले सकते हैं इन फ्रंट ऑफ ईच अदर मुमकिन है लेकिन ये ये नॉर्मल नॉर्मल आइडिया होता है नॉर्मली ऐसे ही करते हैं अगर आप किसी चौक पे या क्रॉस रोड पे आप दोनों का गाड़ियों का आमना सामना हो जाए गाड़ी एक और गाड़ी दो का वो दोनों ने लेफ्ट पे मुड़ना हो तो बिल्कुल एक दूसरे के सामने से लेफ्ट पे अपने अपने लेफ्ट पे टर्न ले सकते हैं ये डेट्स वेरी सिंपल लेकिन ये यह यहां पर हमसे पूछ रहे हैं कि आपके पास जो है वो कौन सी ऐसी सूरत हाल है कि जिसके अंदर आ, कौन से ऐसे एक्सेप्शनल केस हैं कि आ, आप जो है टर्न आफ्टर द अदर एक दूसरे के फ्रंट फ्रंट ऑफ मिथ आइन अंदर नहीं कह सकते या फोर आइन अंदर नहीं कह सकते बल्कि आफ्टर द अदर नॉर्मली हम एक दूसरे के सामने टर्न ले लेते हैं इन फ्रंट ऑफ फीचर है लेकिन कुछ सूरत हाल ऐसी हो सकती है कि आपको दूसरे का वेट करे पहले वो मुड़ जाए फिर मैं मुड़ जाऊँ हो सकता है रोड की सूरत हाल क्लियर ना हो कि अगर वो भी लेफ़्ट टर्न ले और आप भी उसी टाइम लेफ्ट टर्न लें तो रोड इतना कनप या तंग हो कि आप दोनों टकरा जाएं कुछ सूरत हाल हो सकती है तो कौन सी सूरत हाल है इफ़ द रोड ट्रैफिक सिचुएशन डिमांड्स इट अगर मेरी रोड के ऊपर जो ट्रैफिक है उसकी सूरत हाल ऐसी है कि वो मुझसे डिमांड कर रही है सॉरी कि मैं रुक जाऊं पहले उसको मुड़ने दूं या वो मुझे मुड़ने दे उस सूरत हाल में ऐसा हो सकता है इफ़ द लेआउट ऑफ द इंटरसेक्शन डिमांड्स इट अगर लेआउट मैं क्रॉस रोड पे पहुंचा सामने से भी गाड़ी आ रही थी और मेरी भी गाड़ी हम दोनों अपने अपने लेफ़्ट में मुड़ना चाह रहे हैं लेकिन जो आपके पास जो रोड का जो लेआउट है इंटरसेक्शन इतना तंग है कि वो आपको समझ नहीं आ रहा कि अगर दोनों एक दूसरे के सामने मुड़ेंगे तो मे भी हम टकरा जाएं तो उस सूरत हाल के अंदर भी आपको एक दूसरे के बाद मुड़ना होगा एक दूसरे के साथ नहीं इफ द व्हीकल्स आर क्रॉसिंग ओवर एन इक्वल प्रायोरिटी इंटरसेक्शन देखिए अगर दोनों की प्रायोरिटी सेम है दोनों ने एक लेफ्ट टर्न लेना है तो और रोड भी क्लियर है तो उस सूरत हाल में आप आपको एक एक दूसरे के साथ ही इन फ्रंट ऑफ ईच अदर मुड़ना है ये ऑप्शन ठीक नहीं है कि व्हीकल्स जो हैं क्रॉसिंग के ऊपर दोनों की इक्वल प्रायोरिटी है अगर इक्वल प्रायोरिटी इंटरसेक्शन पे तो दोनों एट अ टाइम एक दूसरे के सामने लेफ्ट में मुड़ सकते हैं ये इसका बहरहाल जवाब नहीं है बाकी दो ऑप्शन हमारे ठीक है अगले सवाल की जानिब चलेंगे हमारा अगला सवाल है टू व्हीकल्स अप्रोच वन एंड अदर एट एन इंटरसेक्शन बोथ व्हीकल्स वांट टू टर्न लेफ्ट देखिए ये नॉर्मल केस आ गया व्हाट मस्ट बोथ ड्राइवर डू इन द नॉर्मल केस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो गाड़ियां अगर सामने से आ रही हैं और इंटरसेक्शन पे उनका सामना हो जाता है और दोनों अपने लेफ्ट में मुड़ना चाहती हैं तो नॉर्मल केस में क्या होगा वो दोनों इन फ्रंट ऑफ ईच अदर टर्न ऑफ इन फ्रंट ऑफ वन एन अदर बड़ी आराम से मुड़ सकती हैं मैं आपको दोबारा वो स्नैरियो क्लियर कर देता हूँ स्नैरियो कुछ ऐसा था कि आपके पास आप ये समझें कि ये इस तरह का आपके पास एक रोड है जिसको हम लोग इंटर इंटरसेक्शन भी कहते हैं या क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं यहाँ से भी एक गाड़ी आ रही है और यहाँ से भी एक गाड़ी आ रही है इस गाड़ी ने भी अपने लेफ़्ट मुड़ना है और इस गाड़ी ने भी अपने लेफ्ट में मुड़ना है तो ये एक दूसरे के फ्रंट पे बड़ी आराम से इन फ्रंट ऑफ वन एंड अदर मुड़ सकते हैं कि बिल्कुल एट टाइम ये यहां पर मुड़ रही हो और उसी वक्त ये यहाँ पर मुड़ रहा हो ये मुमकिन बिल्कुल पॉसिबल है नॉर्मल केस के अंदर जिस इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है जिस तरह आपने लास्ट सवाल में देखा था कि हो सकता है कि जो इंटरसेक्शन है ये वाला पूरा एरिया ये इतना क्लियर ना हो या ट्रैफिक की सूरत हाल ऐसी हो कि दोनों एक दूसरे के फ्रंट में ना मुड़ सके नॉर्मली फ्रंट में मुड़ सकते हैं ना मुड़ सकें तो वो स्पेशल केस था इस सवाल में नॉर्मल केस ये लोग हमसे पूछ रहे हैं तो दे मस्ट कम्युनिकेट विद वन एन अधर टू एग्री द मोड ऑफ टर्निंग नहीं देखिए आप की सेम आप लोग नॉर्मल केस है टर्न ऑफ बिहाइंड वन एन अदर के एक दूसरे के पीछे मुड़ेंगे नहीं आप दु, एक दूसरे के फ्रंट में मुड़ सकते हैं मिथ आईन फोर आइन अदर कहते हैं इसको गालबन जेडबन में तो वो आप उस उसमें मुड़ सकते हैं यही इसका दुरुस्त जवाब है अगले सवाल की जानब चलेंगे इस सवाल ने हमसे पूछ रहे हैं यू वॉन्ट टू टर्न लेफ्ट वर्ड ड्राइविंग लाइन शुड यू मेनटेन ये ये एक रोड है हमने लेफ्ट में मुड़ना है और कौन सी लाइन हमें मेंटेन रखनी है या हम इस लाइन में जाएंगे या इस लाइन में जाएंगे राइट वाली पे लेफ्ट देखें अगर तो ये आईन बान स्ट्रा से होती यानी सिंगल वे रोड होता तो आपको पता है सिंगल वे रोड में सामने से कोई गाड़ी नहीं आ सकती एक ही जानब गाड़ी जाती है वन वे स्ट्रीट में तो फिर तो आप बेशक लेफ्ट पे रहें कि राइट पे सामने से कोई गाड़ी नहीं आनी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आप गौर से देखें यहाँ पर कहीं भी रोड पे मुझे आइन मान स्ट्रा से यानी सिंगल रोड का साइन नज़र नहीं आ रहा डेट मींस कि मुझे जो है राइट साइड पे रहना है यानी टू वे रोड है गाड़ी यहाँ से भी आ सकती है तो मैं लेफ्ट लेन में अगर रहूँगा और वहाँ से गाड़ी आ गई तो मेरे लिए खतरा है तो आइन मान स्ट्रा से अगर ना हो तो आपने राइट साइड्स पर ही रहना है टर्न लेने से बहुत ड्राइविंग लाइन आर पॉसिबल नहीं आइन मान स्ट्रा होती तो बहुत पॉसिबल था राइट ड्राइविंग लाइन इसका दुरुस्त जवाब है लेफ्ट में खतरा है क्योंकि आइन मान स्ट्रा से नहीं है लेफ्ट से कोई भी वहां सामने से आ सकता है अगले सवाल की जानी चलेंगे हु हैजू इंडिकेट इन लोग जब कभी किसी क्रॉस रोड पर पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी प्रायोरिटी है कि नहीं तो ये गैल्प गैल्पशील्ड यानी फोर फाट आपका है और फोर फाट जो स्टार्ट से है वो राइट लेफ्ट साइड पर टर्न ले रही है ऐसे तो यह हमारी प्रायोरिटी है ये इस सवाल में नहीं पूछा हुआ उन्होंने सवाल में ये पूछा है कि किसने इंडिकेट करना है हु हैज़ टू इंडिकेट इन सिचुएशन जो आपको पता है जो कोई अपनी गाड़ी को टर्न ले रहा होता है उसने इंडिकेट करना है जो दाएँ जा रहा है बाएँ जा रहा है उसने इंडिकेट करना है जो सीधा जा रहा है उसको नहीं करना तो देखें ब्लू कार अपने राइट पर टर्न ले रही है उसने इंडिकेट करना है जो हमारी कार है वो अपने लेफ्ट पे टर्न ले रही है देखिए एरो बता रहा है हमने भी इंडिकेट करना है जो रेड कार है वो सीधी जा रही है उसको इंडिकेट करने की ज़रूरत ही नहीं है तो इसमें ब्लू कार ने इंडिकेट करना है और मुझे हम दोनों टर्न ले रहे हैं वो राइट पे और मैं अपने लेफ्ट पे जबकि रेड कार सीधा जा रही है सीधा जाने वाले कभी भी इंडिकेट नहीं करते अगले सवाल की जानब चलेंगे वो कह रहे हैं वट शुड यू डू इफ यू सी अ वहीकल विद इट्स हाजर्ट लाइट्स ऑन आपने देखा कि आपसे आगे एक वहीकल है उसकी हाजर्ट लाइन लाइट्स ऑन है कोई भी वजह हो सकती है आगे ट्रैफिक जैम है कोई एक्सीडेंट हो गया है तो हम अपनी पीछे गाड़ी की जो पीछे दो लाइट्स हैं उनको ऑन कर लेते हैं इंडिकेशन देते हैं कि हाजर्ट है तो जैसी आपने हाज़र देखना सबसे पहले आपने क्या करना है आपने अपनी स्पीड को रिड्यूस करना है आई कंटिन्यू ड्राइविंग जस्ट एज़ बिफोर नहीं हाज़रत लाइट्स ऑन है तो आगे सिचुएशन ख़तरनाक हो सकती है आपने पहले की तरह अपनी ड्राइविंग को जारी नहीं रखना बल्कि स्पीड कम कर लेनी है और सूरतयाल को देखना है आई रिड्यूस आई रेडी माई सेल्फ फॉर हाजर्ट अकड़िंग सडनली मुझे अपने आप को जहनी तौर पर तैयार कर लेना है कि आगे खतरनाक सूरतयाल अचानक से आ सकती है जब भी सामने वाली गाड़ी ने हाज़रत लाइट ऑन की हुई है तो मैं पहले से तैयार हो जाऊँ कंटिन्यू ड्राइविंग जस्ट एज बिफ़ोर इसमें दुरु जवाब नहीं है ये दो ऑप्शन ही ठीक है हमारा अगला सवाल है हाउ इज़ इट पॉसिबल टू प्रिवेंट ऑन कमिंग ट्रैफिक बींग डेजल बाय द पासिंग बीम सामने से ट्रैफिक आ रही है आप आप किस तरह उसको बचा सकते हैं कि वो उसकी उसकी जो गाड़ी जो ड्राइवर है उसकी आंखें चुंधिया ना जाएं आपकी गाड़ी की बीम से तो किन चीज़ों की एहतियात ज़रूरी है ओनली परमिसबल लाइट बल्ब मे बी यूज़ इन ईच ऑफ हेडलाइट मैं सिर्फ वही लाइट बल्ब लगाऊं हेडलाइट के अंदर जो अलाउ करते हैं फॉर एग्जाम्पल एक स्टैंडर्ड है कि आपने येलो लाइट अगर इस्तेमाल करनी है और इतनी उसकी पावर होनी चाहिए वही लगाएं ना कि हाई बीम लगा लें यह जब आप दुरुस्त है स्टैंडर्ड फॉलो करें द हेडलाइट सेटिंग शुड बी चेकड आफ्टर एवरी रिपेयर हर गाड़ी की अगर जब रिपेयर होती है उसके बाद मैं हेडलाइट की सेटिंग देख लूँ कि यह ऊपर नीचे तो नहीं हो गई तो ऐसा ना हो ना कि हेडलाइट बिल्कुल रोड पे फ्लैट आनी चाहिए वो थोड़ी सी ऊपर हो जाए तो सामने से आने वाले ड्राइवर की आंखों में पड़े तो वो भी सेटिंग भी चेक करनी है आपने हेडलाइट की द हेडलाइट लाइट रेंज कैट बी एडजस्टेड डिपेंडिंग ऑन द लोड कैरिड बाय द वहीकल और बज दफ़ा आपको अपनी हेडलाइट की जो सेटिंग है वो भी एडजस्ट करनी पड़ती है उसकी रेंज को कि अगर आपके पास गाड़ी पे लोड ज्यादा है तो आप थोड़ी अपनी हेडलाइट की सेटिंग को थोड़ा तेज़ कर लें लाइट को ताकि जो सामने से गाड़ी आ रही है उसको पहले ही अंदाजा हो जाए कि इस गाड़ी में लोड है साइड से लोड निकला हुआ है तो मैं तैयार हो जाऊँ तो आपको मे बी अपने लोड के हिसाब से भी अब बाफ़ा अपनी हेडलाइट को एडजस्ट करना पड़ सकता है तीनों जवाब इसके दुरुस्त हैं अगले सवाल की जानब चलेंगे वट मस्ट यू एंटिसिपेट विद ट्रैफिक आइस लैंड लाइक दिस एक ट्रैफिक आइस लैंड है देखें ये बहुत ही कोई सूरत हाल से सामने कोई हॉप हॉपबर्न ऑफ है और यहाँ पे देखें पेडस्टीरियंस भी हैं साइकिल वाले भी हैं लोग चल रहे हैं तो इस सूरत हाल में मुझे किन बातों को जहन में रखना चाहिए एक ट्रैफिक का आई यहाँ बन गया है और यहाँ मुझे क्या करना चाहिए क्रॉसिंग्स भी हैं सामने ट्राम भी है तो साइकिल क्रॉसिंग द रोड विदाउट पेइंग अटेंशन टू द ट्रैफिक मुझे इस बात का पहले इराक होना चाहिए कि हो सकता है कि साइकिल जो हैं वो बग़ैर अटेंशन किए अचानक से रोड पे आ जाएं ये बिल्कुल बिल्कुल मुमकिन है ये मुझे बात बाज़हन में रखनी है पेडस्टेरियन ऑलवेज रिस्पेक्ट द राइट ऑफ वे फॉर व्हीकल्स ये कह रहे हैं जो पैदल चलने वाले हैं वो हमेशा जो गाड़ियां हैं उनको रिस्पेक्ट देते हैं उनका उनका राइट ऑफ वे है उनको जाने देते हैं ऐसा नहीं है अक्सर पेडिस्टेरियन अचानक रोड पर आ जाते हैं तो उस सूरत हाल के अंदर आपने क्या करना है आपने बस जेन में रखनी है कि ठीक नहीं है कि पेडस्टेरियन हमेशा रिस्पेक्ट देंगे आप अपने आपको मेंटली तैयार रखें कि पेडिस्टेरियन और साइकिलिस्ट किसी भी टाइम रोड पर बगैर देखे आ सकते हैं तो वो रिस्पेक्ट देंगे या राइट ऑफ वे को रिस्पेक्ट देंगे जब आप दुरुस्त नहीं है पेडस्टेरियन थिंकिंग डैट दे हैव द राइट ऑफ वे ओवर द रोड ट्रैफिक पेडेस्टेरियन यहाँ पर कह रहे हैं ये सोच सकते हैं कि उनका ट्रैफिक सूरतयाल कुछ ऐसी है कि उनकी ट्रैफिक से ज़्यादा प्रायोरिटी है वो अचानक से रोड के ऊपर आ जाएँ हालांकि यहाँ पे कोई जेबर क्रॉसिंग नहीं है लेकिन आपने उनके एंड से इस बात को जहन में रखना है कि साइकिल्स और ट्रैफ दोनों गलती कर सकते हैं आपने गलती नहीं करनी अपनी स्पीड को आपने कम कर लेना है और उनकी एंड से जो गलती हो सकती है उसको आपने पहले ही समझ लेना है अच्छा जी इस टॉपिक का आखिरी सवाल है हमने पहले आठ सवाल कवर किए थे अब ये ग्यारह उन्नीस हो जाएंगे हम मजीद दो सवाल करेंगे इसी वीडियो में तो इक्कीस इस वीडियो को फिर हम खत्म कर देंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद सवाल लेकर आएंगे तो वट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन नाउ ये देखें ये एक ट्रैफिक वाला है ये मे भी यहाँ सिग्नल इंप्लीमेंट नहीं होते आपको पता है सबसे हाई प्रायोरिटी पुलिस की होती है उसके बाद सिग्नल्स की फिर ट्रैफिक साइंस की होती है तो यहाँ पुलिस वाला ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है तो इसका देखें चेहरा में हमने पहले भी ये ट्रैफिक जो पुलिस वाले सवाल आते उसमें देखा था कि उसका चेहरा जिस जानी होगा ये उसको रोक रहा होगा तो मतलब सामने से जो ट्रक आ रहा है उसने रुकना है इसका चेहरा उस जानी है तो जो गाड़ी जानी से आ रही है उसने रुकना है और हम लोग सीधा जा सकते हैं क्योंकि वो उसका मुंह हमारी जानी नहीं है तो आई लेट द ग्रीन ट्रक मूव फर्स्ट नहीं ग्रीन ट्रक को उसने रोका हुआ है इशारे से आपने उसको नहीं जाने देना वो तो वैसे ही रुक जाएगा आई क्रॉस over द जंक्शन केयरफुली मैं जंक्शन पे क्रॉस कर सकता हूँ लेकिन केयरफुली यहाँ मुझे इजाज़त है उसने मुझे नहीं रोका हुआ अगर उसके पुलिस वाले का जो आपके ट्रैफिक पुलिस वाला है उसका अगर चेहरा मेरी जानी बता है तो मुझे रुकना पड़ता लेकिन फिलहाल उसका चेहरा दूसरी जानी है तो मुझे नहीं रुकना मैं जा सकता हूँ आई वेट आउट ऑफ द जंक्शन फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन फॉम पुलिस ऑफिसर कि मुझे यहाँ पे रुकना है जंक्शन पर जाकर आउट द जंक्शन और पुलिस ऑफिसर के अगले सिग्नल का वेट करना है? नहीं उसका भी सिग्नल क्लियर है कि इस जाने वाली ट्रैफिक रुकेगी जो साइड से आ रही है जो यहां से आ रही है वो जा सकती है तो मुझे इसका एक ही जवाब इसका दुरुस्त है तो यहां पर हमारे उन्नीस सवाल मुकम्मल हो गए अब हम दो सवाल मजीद करेंगे और उसके बाद हमारी ये वीडियो अपने खताम को जाएगी तो दोस्तों हमने अब तक अपने 19 सवाल कर लिए इस वीडियो में जो नए सवाल हैं उनमें से अब दो सवाल मजीद करके हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे हमारे 21 सवाल तो मुकम्मल हो जाएंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद इक्कीस सवाल लेकर आएंगे मैंने जिक्र किया तो 42 हो जाएंगे फिर उससे आखिरी वीडियो में हम तीस सवालत ला के ये सिलसिला पूरा यहाँ पर नए सवाल को भी मुकम्मल कर लेंगे तो इस जो थर्ड टॉपिक के में सिर्फ दो सवालत हैं हम क्विकली इसको देख लेते हैं हु कैन मूव फर्स्ट इन दिस सिचुएशन इस सिचुएशन के अंदर पहले कौन मूव फर्स्ट करेगा तो हमें पता है देखिए कि हम लोग बिल्कुल मेन रोड पे हैं तो जो गाड़ियाँ लेस प्रायोरिटी रोड से आ रही हैं उन्होंने वेट करना है यह सवाल हमने पहले भी देखा था और जो हाई प्रायोरिटी रोड के ऊपर हैं वो गाड़ियाँ पहले यहाँ पर मूव हो सकती हैं तो यहाँ पर जो है जो गाड़ियाँ तो जो गाड़ी तो टर्न ले रही है प्रायोरिटी रोड पर प्रायोरिटी रोड से लो प्रायोरिटी रोड पर टर्न ले रही है लो प्रायोरिटी रोड से बाहर आ रही है तो ए, उसे इंतज़ार करना है और मैं जो कि प्रायोरिटी रोड पे रह रहा हूँ तो मैं जा सकता हूँ देखिए अगर ये ब्लू आप ब्लू ट्रैक्टर को देखें ये टर्न ले रहा है और जो कोई भी आपको पता है लेफ्ट टर्न लेता है उसने तो वेट करना ही होता है सामने से आने वाली गाड़ी को ऑनकमिंग ट्रैफिक को बेसिक रूल है अगर आप लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं आपने ऑन कमिंग ट्रैफिक को अलाउ करना है तो ब्लू ट्रक भी टर्न नहीं ले सकता मुझसे पहले और रेड कार तो वैसी लो प्रायोरिटी रोड से आ रही है उसको तो वैसे ही इंतजार करना है तो इन दिस सिचुएशन सिर्फ मैं हूँगा मी जो कि मूव फर्स्ट होगा ठीक है क्योंकि जो ब्लू ट्रक है वो लेफ्ट टर्न ले रहा है लेफ्ट टर्न लेने वाला हमेशा सामने से आने वाली गाड़ी को प्रायोरिटी देता है और आपके पास जो ए, जो इंटरसेक्शन रोड है जो लो प्रायोरिटी रोड है वहां से सुर कलर की गाड़ी आ रही है उसने भी इंतजार करना है तो आप ही सबसे पहले यहां पर जाएंगे अगले सवाल की जानब चलते हैं हमारा अगला सवाल है जो कि इस वीडियो का आखिरी सवाल भी है वट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन यहां पर राइट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है देखें आप पहुंचे क्रॉस रोड इंटर, और इंटिया इंटरसेक्शन के ऊपर कोई ट्रैफिक साइन नहीं है कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है तो रूल क्या अप्लाई होगा राइट बिफोर लेफ्ट यानी जो मेरे राइट पे उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है और जो उसकी राइट पे उसकी प्रायोरिटी और उसकी जो राइट पे होगा उसकी प्रायोरिटी होगी मतलब यह सिलसिला हमने पहले भी वीडियोज में देखा था दाएं बाएं से कोई नहीं आ रहा वैसे भी अगर यहां कोई गाड़ी होती तो मेरी प्रायोरिटी उससे ज्यादा होती क्योंकि मैं उसके राइट पर होता यहां पर मेरे राइट से साइकिलिस्ट आ रहा है इस इस जंक्शन पे कोई ट्रैफिक साइन नहीं है कोई सिग्नल नहीं है रूल अप्लाई होगा रैश फोर्डिंग्स राइट बिफोर लेफ्ट और साइकिलस्ट मेरे राइट right से आ रहा है तो साइकिलिस्ट सबसे पहले जाएगा फिर मैं जाऊँगा तो यहाँ पर आई वेट अनटिल द हैज़ साइकिलिट द टर्न मुझे इंतजार करना है जब तक साइकिलिस्ट टर्न लेगा क्योंकि उसका उसकी यहाँ प्रायोरिटी है आई वॉन द साइकिल बाय साउंडिंग द हॉर्न के मैं हॉर्न बजा के साइकिलिस्ट को वॉर्न करूँ देखें उसका हक है उसने पहले जाना है तो वैसे भी विद इन सिटी आपको हॉर्न बजाने की सवाए इमरजेंसी में इजाजत भी नहीं होती तो ये जवाब तो वैसे ही राइट बिफोर लेफ्ट का रूल ही देख लें वैसे भी गलत है अगर आप दूसरे तरीके से भी देखें आई टेक प्रायोरिटी बिफोर द साइकिल नहीं साइकिल मेरे राइट पे है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो ये जवाब हमारा दुरुस्त है दोस्तों इसके साथ ही नए सवाल का जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको उन सवाल की वीडियोस अपलोड करेंगे तो पहली वीडियो हमने मुकम्मल कर ली है इक्के सवालत मुझे उम्मीद है हमारी गुजशत वीडियोस की तरह आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आ रही होगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में ज़रूर शेयर करें और इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप चाहें तो हमें पेट्रीओन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कोई भी डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं हमारी टीम उसको क्विकली रिप्लाई करने की कोशिश करेगी तो दोस्तों इस वीडियो तक के लिए इतना ही अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए अपना बहुत ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़